हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या समानता होती है और क्या अंतर होते हैं। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में कंपैरिजन। वो सर्किट जिसमें ये क्लोज पाथ हमारा करंट को फॉलो करें उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं, जबकि वो सर्किट जिसमें कि क्लोज पाथ हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को फॉलो करें उसे हम मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा करंट होता है वैसे ही हमारा मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। करंट का हमारा फार्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जबकि फ्लक्स का फार्मूला होता है हमारा MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। हमारी करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जबकि जो हमारा फ्लक्स होता है इसकी यूनिट होती है हमारी वेबर। रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है एल बाय ए और रो, जिसे रो को हम 1/σ द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है 1/σ एल बाय ए, वैसे ही हमारा जो रिलक्टेंस होता है इसका हमारा फॉर्मूला होता है एल बाय म्यू ए, जहाँ पे ये हमारी कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा यहाँ पे परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जो रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट होती है हमारी ओम, जबकि जो हमारा रिलक्टेंस होता है इसकी यूनिट होती है हमारी एम्पियर टर्न बाय वेबर। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। तो जो हमारा कंडक्टिविटी होगी ये बराबर होगा हमारा 1/रेजिस्टिविटी। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो परमेबिलिटी होती है ये हमारी रिलेक्टिविटी के जस्ट ओपोजिट होती है, इनवर्स होती है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट डेंसिटी होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हमारा फ्लक्स डेंसिटी होता है। करंट डेंसिटी को हम जे द्वारा बताते हैं, जबकि फ्लक्स डेंसिटी को हम बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है जे बराबर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। वैसे ही हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी बी होता है ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय रिलेक्टिविटी। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है ई बाय एल, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बराबर होता है हमारा, इसे हम एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारा MMF बाय L। यहाँ पे हमारा EMF बाय L और यहाँ पे होता है हमारा MMF बाय L, ये होता हमारा, इसे हम MMF को NI द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं L, और इसकी यूनिट होती है हमारी AT बाय मीटर। और ऐसे ही इसकी यूनिट हमारी होती है वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में कुछ सिमिलरिटीज़ देखी। अब ऐसे ही हम इनमें डिफरेंसेस देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या डिफरेंसेस होता है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में पहला अंतर ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट होता है वो एक्चुअल में फ्लो होता है, जबकि जो फ्लक्स होता है ये फ्लो नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, जो करंट होता है ये एयर से पास नहीं होता है, जबकि जो फ्लक्स होती है ये एयर के थ्रू पास होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा, पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए जो कंडक्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ये करंट पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो उसमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की जो परमेबिलिटी होती है वो उसकी फ्लक्स पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसमें हमारी जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में डिसिपिएट होती है, जबकि अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो इसमें रिलक्टेंस के टर्म में कोई भी एनर्जी
हमारी डिसिपिएट नहीं होती, इसमें कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब तक करंट फ्लो होता है तब तक उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में जैसे ही फ्लक्स जनरेट होती है तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल अवेलेबल होता है जबकि मैग्नेटिक इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होता है।